हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो आज मैं आप सभी लोगों के साथ में 5 ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं जिसका नाम है इथेरियम, सेकेंड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है इथेरियम और बिटकॉइन के बाद में सबसे सेफेस्ट और ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है और इथेरियम में मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे रैंक की, तो इथेरियम सेकेंड रैंक पर बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट। अब हम बात करते हैं इथेरियम का जो करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग $1,109 के आसपास चल रहा है। अब यहां पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, अभी आपको मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। लेकिन जो लोग रिस्क टेकर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग इस प्राइस पर बाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी प्राइस डाउन और आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, DCA स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं और $1,000 के आसपास इथेरियम को बाई करिएगा। अगर प्राइस $800 आता है तो यहां भी बाई करिएगा। 500 के आसपास आने के चांसेस है, यहां पर भी आप लोग बाई कर लीजिएगा। इस तरीके से DCA स्ट्रेटजी का यूज होता है और DCA स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देती है। अब हम यहां पर बात करेंगे सेकेंड क्रिप्टो करेंसी के जिसका नाम है बाइनेंस। वर्ल्ड का टॉप एक क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, जो मेरा फेवरेट एक्सचेंज है, और दूसरी बात उसी का ये नेटिव टोकन है जिसका नाम है बाइनेंस क्वाइन। और इनके जो फाउंडर हैं CZ जी, ये रेगुलर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को मैंने $5-6 से वीडियो बनाना शुरू किया, ट्रेड करवाना भी शुरू किया है, तो इस प्रोजेक्ट ने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है। रैंक की बात कर लेते हैं तो अभी रैंक जो चल रहा है वो 5 पर है, जो कि अपने आप में किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात कर लें तो 227 प्राइस चल रहा है। अब यहां पर आप लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में। $200 पे जब इसका प्राइस आएगा तब आप लोग अच्छे से थोड़ा बाई कर लीजिएगा। और जो मेरा प्राइस एक्सपेक्टेड है वो ये है कि $125 के जोन में इसका प्राइस बियर मार्केट में डंप हो सकता है, तो वो आपके लिए लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और DCA यहाँ पे यूज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरे प्रोजेक्ट की, जो मेरा एक फेवरेट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को मैंने 50 पैसे और 1 रुपए में लोगों को बताना स्टार्ट किया था। जो लोग भी बहुत पुराने फैमिली मेंबर हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, और इस प्रोजेक्ट ने लगभग अपनी फैमिली मेंबर्स को 200x का प्रॉफिट भी दिया है। बिलीव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिलीव है तो आप स्टार्टिंग के वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कार्डेनो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। रैंक की बात कर ले तो 7 नंबर पर ये बिलोंग कर रहा है। करंट प्राइस की बात कर लेते हैं तो $0.7 के आसपास चल रहा है इसका प्राइस। मुझे जो पूरी उम्मीद है कि 0.3 सेंट के आसपास आप लोग जरूर बाई करने की कोशिश करिएगा, 0.2 तक भी आ सकता है, तो ये DCA के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। इसमें आप DCA कर सकते हैं और आप अपना अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के बाद में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और उसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड किया है यहाँ पर jump.trade ने। जी हाँ, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी हमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो बेनिफिट दे करके जा सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये है फर्स्ट यहाँ पे क्रिकेट NFT गेम है, और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये 9 मिनट में 55,000 NFT इसने स्टार्टिंग में सेल कर दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें, इसकी खास बात ये है कि इनका जो MCL गेम है, MCL गेम जो है इनका बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, और इन्होंने रोड मैप के अकॉर्डिंग क्या किया है वो Q2 में लॉन्च होने वाला है। क्वार्टर 2 में इनका गेम लॉन्च हो जाएगा
और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए। और जो गेम है वो अवेलेबल है वेब और एंड्रॉयड फ़ोन में। जी हाँ, मोबाइल पर भी आप इस गेम को खेल सकते हैं और वेब में भी आप लोग इस गेम को खेल सकते हैं। और ये क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल गेम लॉन्च किया गया है जिसमें आप लोग गेम भी खेल सकते हैं। और अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो आपके पास में 2 NFT होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर 2 NFT क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता है कोई भी गेम खेलते हैं तो आपके पास में बॉलर और बैट्समैन होना चाहिए। तो 1 NFT आपके बॉलर की होनी चाहिए और 1 NFT आपके बैट्समैन की होनी चाहिए। और अगर आप इस गेम को जीतते हैं तो यहाँ पर आपका जो लेबल होता है, आपको पता है कि बहुत सारे गेम मार्केट में अवेलेबल हैं और गेम खेलने के बाद में आपका लेबल जो है वो अप जाता है। तो यहाँ पे जीतने के बाद में आपका लेबल बहुत ही अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट गेम अवेलेबल हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हैं। और उसके बाद में ये है कि सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो अपना रिस्क ले सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और रिस्क टेकर के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। अगर आप NFT बाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, चेक आउट जरूर करिएगा, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आपको बड़ा बना सकती हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे 4th नंबर प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है सोलाना। तो सोलाना जो प्रोजेक्ट है वो भी मेरा बहुत ही अच्छा खासा फेवरेट प्रोजेक्ट है। और इसमें स्टार्टिंग में जिसने इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि ये $1, $5, $10 का क्वाइन होता था और 100-150 डॉलर तक गया था। अगर हम अभी बात कर ले यहाँ पर तो जो करंट प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ $37 के आसपास चल रही है। और रैंक की बात कर लेते हैं तो 9 रैंक पर ये क्वाइन बिलोंग कर रहा है। टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसीज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो बेस्ट बाइंग हो सकती है $20 से $25 के जोन में, जो अगर आपको इस प्राइस में मिलता है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा। और DCA स्ट्रेटजी का स्टूज तो यहाँ पे मस्ट है सभी लोगों को यूज करने के लिए। उसके बाद में जो लास्ट है वो बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है हमारा, और इस प्रोजेक्ट ने अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को जब हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था लगभग $17 के आसपास इसका प्राइस होता था और $55 के आसपास इसका प्राइस गया था, लगभग 4x अपनी पूरी फैमिली को प्रॉफिट दिया था। लेकिन अगेन मैं आज यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं कि Polkadot आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। रैंक की बात करें तो 11 रैंक का ये प्रोजेक्ट है। करंट प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो $7.6 के आसपास है। अगर ये आपको $5-6 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग होगी, और इन केस आपको $3-4 के आसपास मिल जाता है तो वो लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। DCA स्ट्रेटजी का जरूर आप लोग यूज करिएगा। यही था वीडियो आज में। आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं। अगर किया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।
Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.